गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं। 4:30 बजे मैं उठ गई थी, श्यामा भी उठ गया है और सभी सो रहे हैं। और आज हम जाएंगे वैष्णो धाम। तो सुबह जल्दी हमारा जाने का प्रोग्राम है, जल्दी तैयार होकर जल्दी सुबह सुबह पहाड़ चढ़ेंगे पैदल। उठ जाओ। थोड़ा मन हट दे क्या आराम है। दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और अभी यहाँ रवाना ट्रैफिक हो नहीं है, रहे हैं। सोचा तो 5 बजे का था लेकिन 6:30 हो चुके हैं। हम झूलिया इसमें हमने सोन पापड़ी, सेव, चॉकलेट्स ले लिए, पानी ले लिया है और ये कल्पना तैयार हो गई है। चलो बोलो। चलो। तो सुबह सुबह जल्दी हमने उठे, तैयार हुए और तैयार होके हम लोग निकल रहे हैं। तैयार होने में हमने थोड़ा टाइम लगा दिया और सामने दिखाता हूँ। यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं वैष्णो धाम जाने के लिए। लाइन में लगे हुए हैं। तो टिकट हमने कटवा ली है और टिकट के कोई पैसे नहीं लगे। हमने निहारिका होटल से टिकट कटवाई। बढ़िया है, धूप बचाओ। हम यहाँ दुकान पर प्रसाद लेने के लिए रुके माता रानी का, लेकिन हमें कल अच्छी टोपियाँ नहीं मिली थी तो हम वापस शॉपिंग करने लगे, टोपी लेने लगे। एक टोपी मैंने और कविता ने ले ली और एक उन्होंने पापा के ने ले ली। बच्चों को पसंद नहीं आई टोपी। और ये जो जय माता दी नाम लिखा हुआ माथे के ऊपर बांधते हैं ये भी ले लिए हैं। और माता रानी के लिए चुनरी, चोला और माता रानी की छत्र ले ली है। मैं आपको 100-100 रुपए की टोपी लगा रहा हूँ। 100-100 रुपए बढ़िया लगे। बढ़िया रिबन लेनी, रिबन जहाँ से माता रानी की पैदल यात्रा शुरू होगी वहां तक हम गाड़ी से जा रहे हैं और वहां पर भी पूरी चेकिंग करके ही हमें आगे जाने दिया। ये देखिए, ये सब चेकिंग होने के बाद लाइन बनाकर इस तरीके से आ रहे हैं। हम भी आगे आ गए हैं और ये अभी श्यामा आया है लास्ट में, क्योंकि इसके पास बैग थी तो इसको टाइम लगा। ये कल्पना के लिए वॉकर ले लिए हमने। कल्पना के इस वॉकर के 750 रुपये लिए हैं और ये हमने चढ़ाई शुरू कर दी है माता रानी के मंदिर जाने की। और यहाँ से मंदिर तक की चढ़ाई 12 किलोमीटर है। पहाड़ों के बहुत ही अच्छे व्यू दिख रहे हैं यहाँ से और सुबह सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कितने सुंदर, और यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। तो कपूड़ी गाड़ी में बैठ गई और भाई सबसे पीछे है और मैं सबसे आगे, क्योंकि भाई बोल रही धीरे धीरे चलो और धीरे धीरे चलो, हम लोग धीरे धीरे नहीं चल सकते। टपल गई तपदी तपड़ी तपड़ी। मौसम यहाँ पर राजस्थान से थोड़ा ठंडा है,
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पूरी रास्ते के ऊपर। धूप तो लगेगी नहीं क्योंकि ऊपर ये बनाया हुआ है, और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये देखिए हमने ये टोपी और पोंचो स्वेटर वगैरह पहन रखे हैं। और ये रास्ते में इच्छा पूर्ण माँ भगवती का मंदिर भी है, ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। भाई कुछ दो शब्द चलो जल्दी जल्दी चलो आजा चलो। तो भैया जी और हम लोग तो आगे चल रहे हैं तेजी से, और कल्पना जी, लेकिन वो लोग थके हुए हैं और थके हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। वाह शाबाश भाई शाबाश, अब तो बहुत तेज चलन लग गया है, बहुत तेज चलन लग गए हैं। झांसी बनी जाए तो खतरा। ये यात्रीगण जो काफी समय से चल रहे हैं, जय माता दी, बैठे किन्ना है, बैठो किन्ना हो, चलो 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 मैं ही चलना, चलो बे छोटा यात्रीगण। तो देखो हम लोग इतने यात्रीगण बचे हैं, एक यात्रीगण खच्चर पे चल के भाग गया, हमें धोखा दे गया जो हमें लेके आए थे। हाँ भाई ने यात्रा शुरू की, लेके आई और वो ही धोखा दे के भाग गई आगे। तो घोड़ों को निकच्चे थे तो हम लोगों ने सारे ऊन कोट सारे इसमें निकाल दिए। निकाल मत बबड़ी, चलो चलो चाय पियेंगे भैया। ये यात्रीगण भागे भागे लकड़ी ढल ले, अच्छा चलो बिल्कुल मैं तो मेरी ले। ये भैया का काम कर रहे हैं, कुली का काम कर रहे हैं, ये भैया का काम कर रहे हैं, इस यात्रा में ये काम ही काम कर रहे हैं बेचारे। वंदना कौन थकी, वंदना जोश बढ़ा रहा है सबको। और ये मामा भांजी का कुछ अलग ही चल रहा है, इन्होंने अपनी अलग ही पार्टी बना ली। जीजी ने अपने अलग बना लिए, मैं अकेली रह गई। बंदूक कट गई, तो मेजर साहब क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है। ई रिक्शा, ई रिक्शा क्या सही है, क्या हाल चाल है, कितनी थकान हो रही है थाने? थकान हो दादा से कौन उत्तर चैनमी टीम एकदम पूरी एकदम एनर्जी वेस्ट होती। अच्छा तो आपने ने टोटल 4.5 किलोमीटर ही चढ़ा और जो 4.5 ही है, 12 है तो टोटल, 12 है टोटल। अब बताओ अब कितनी हाल चाल है, अब हालचाल में कुछ बदलाव है? अब हालचाल में बदलाव है। क्या थे मेजर साहब, थक रहे हो आप? नहीं थक रहे, मेजर साहब कड़ी लिया ला रहे हो रे, थक नहीं रहे, टैक्सी तक और मेल सी क्या हो। तो ये वंदना जी जिनको ऑफर मिला था 200 रुपए में कि आप खच्चर पे चढ़ के जा सकते हैं, पर इन्होंने श्रद्धा पूर्वक रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग पैदल जाएंगे। एक दुकानदार ने इनको मेजर साहब समझ लिया था, उसके बाद से श्यामा इनको मेजर साहब बोल रहा है।
ये देखिए। तो दोस्तों मैं अर्ध कुमारी तक पहुंच गई हूं क्योंकि मैं खच्चर पर आई थी और सभी श्यामा मतलब पापा बच्चे कविता सभी पीछे रह गए हैं। अभी उनका इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे अर्ध कुमारी पर, जब वो आ जाएंगे तब साथ में जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। क्या भाई क्या होगी ले रुकड़ो बोलिए फुल एनर्जी ने ठीक है बाबू तेने ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी देखो आधा रास्ता पार कर लिए एकदम बिल्कुल थके वगैरह बच्चे बढ़िया कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो बन गया बिल्कुल ही बनी उतर जाता ना डापड़ी तो रास्ते कटे चढ़ाई को। और बबड़ी बबड़ी की अब यात्रा स्टार्ट हुई है, इतनी देर तो इंडा खा रही। डेकोरेशन चल रही है यहाँ पे। अभी चॉकलेट खा रहे हैं। अभी कल्पना को नीचे उतार दिया है और कुछ टाइम के लिए वंदना को बिठा दिया है क्योंकि वंदना थक गई है, बहुत पैदल चल रही है। खच्चर पर इसको डर लग रहा था तो ये खच्चर पर नहीं चढ़ी और मैं 5 किलोमीटर तक ओनली खच्चर पर चढ़ी। अभी आगे 5 किलोमीटर और हैं। एक सिलेंडर में ऊपर तक उठा ले जब तक कितना रिजल्ट है। सिलेंडर ना एक छोरी उठा ले अंबे सिलेंडर की तो नहीं। रास्ते में सेब और चॉकलेट खाते हुए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था शौचालय की व्यवस्था पूरे रास्ते पर है तो पानी की बोतलें तो हम रास्ते में भर लेते हैं। ओनली खाने पीने के सामान में सेब चॉकलेट और जूस लेकर गए हम। नोएडा से आप? नोएडा। हाँ, ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं हमें यहाँ पर। क्या नाम है आपका? वीरा पाठक। वीरा आपका? राहुल। राहुल हमेशा देखते हो वीडियो? हमेशा देखते हैं। शुभ जर्नी के भी देखते होंगे? आपका भी देखते हैं। हाँ। और भैया का भी देखते हैं। हाँ। आपकी बहन का भी? सबका देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पापा जी का भी, पूरी फैमिली का। थैंक यू। ये हमसे आगे आकर अच्छा आराम कर रहे हैं। और हमने ये लीची का जूस भी पिया। जूस पी लियो? ये समस्या है 15-20 बार हो ये हालत। नाची के तो हम लोग आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं और वंदना और उसके पापा मतलब मेरे जीजाजी आगे चले गए और भाई और कविता पीछे रह गए। हाँ भाई खोटी ओडा माता दी किन्नो केकरो थे ये चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। 10 बार मेरी मुझे रुका रुका के बेक कभी स्वेटर डाल रहे हैं कभी निकाल रहे हैं कभी चॉकलेट निकाल रहे हैं कभी पानी निकाल रहे हैं कभी कुछ निकाल रहे हैं कभी कुछ मतलब मेरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है और इन्होंने केवल मुझे कुल्ली और सामान ढोने के लिए ही बुलाया है। फ्री फोकट का कुल्ली आ जाएगा कोई टेंशन नहीं है। जो मेजर साहब है वो हमें वापस मिल गए हैं। हम लोग चल रहे थे ये आगे भाग के आगे अभी मेजर साहब फिर से हमें मिल गए रास्ते में। अभी चलते हैं 4 किलोमीटर और बचा है।
बस 12 में से 8 आ गए हम लोग। वो खच्चर वालों नी खच्चर की वजह खच्चर वालों रस्ते ना वो रस्ते अच्छे है। तो बाबी इसी यो साफ ठेठ नहीं कौन समझे जीजू जी दुबर बताया के कौन समझे ए समझे कौन है ना ट्रॉली दिया है बच्चा यहां को नहीं चढ़ जाए कह नहीं उतर से पैदल चल यहां जाते हुए पैदल ही जाना ट्रॉली है ही कौन है। अच्छा हां हां देखो 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 फिर से अभी थोड़ी देर पहले स्वेटर डालो फिर निकालो फिर डालो फिर निकालो आगे धूप है फिर गर्मी है। भाई शक्ल तो दिखाओ तुम्हारी ये देखो अरे ये देखो यात्रीगण ये यात्रीगण अरे ये यात्रीगण को चुन्नी उड़ाते हुए बढ़िया मेजर साहब और थके हुए इंसानों। तो दोस्तों अभी 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी और है और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपको पूरा दिखाएंगे हम वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ये चढ़ाई हमने पूरी की और वापस उतरना भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये आप अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, तब तक लिए धन्यवाद।